हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्रेलिक पेंट मटेरियल के बारे में। तो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं और मटेरियल को लेके कंफ्यूज हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपकी हेल्प करे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक मटेरियल और कुछ हाई रेंज भी शेयर करूँगी मैं मटेरियल की। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ इसी तरह की वीडियोस देती हूँ। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग की। देखिए, एक्रेलिक पेंटिंग क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होता है एक्रेलिक पेंट्स और वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसमें मैं पानी भी डाल दूंगी तो इस पेंटिंग पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे कहते हैं वाटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो हम बेस यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पेपर की। जो एक्रेलिक शीट्स आती हैं जिसपे हम एक्रेलिक पेंट्स कर सकते हैं, ये है A3 साइज की है और 360 GSM की शीट है। ये पेपर शीट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्सेलेंट शीट्स हैं ये। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये एक्रेलिक पेंटिंग पैड काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं जो बेस जिस पे हम पेंटिंग करते हैं, कैनवस बोर्ड। तो इस तरह के कैनवस बोर्ड हम बाय कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए, और इस तरह के कैनवसेस भी हम बाय कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। कैनवस क्लोथ भी बाय कर सकते हैं हम, और उसको फ्रेम भी करा सकते हैं बाद में। हम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बेसिक मटेरियल। तो बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप बिगनर हैं और देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ये 10 कलर्स का सेट है। ये है कैमल का फैब्रिका का सेट है ये, और ये 185 रुपीज़ का सेट है। ये बिल्कुल बेसिक कलर से स्टार्टिंग किया है मैंने। ये काफ़ी अच्छी रेंज निकाली है कैमल ने एक्रेलिक कलर्स को। अगर हम पेंटिंग करना चाहते हैं तो ये बेसिक रेंज काफ़ी अच्छी है। 10 कलर का सेट है देखिए। और ये इसका जो बस है, ये थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड रहता है ये कलर, मतलब पतला रहता है कलर ये बोल लेंगे। तो ये 15 ml की ट्यूब आती है, और इस तरह से पूरा सेट हम बाय कर सकते हैं। और अगर हमको रिक्वायरमेंट रहती है तो हम इस तरह से सेपरेट कलर्स भी बाय कर सकते हैं इसके। ये 15 ml की ट्यू सॉरी 15 ml की बॉटल आती है ये, और ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर 20 rupees की रेंज में। तो इस तरह से हम सेपरेट बॉटल्स भी बाय कर सकते हैं अगर हम बिगनर हैं तो। उसके अलावा अगर हम देखें कि बेसिक रेंज के लिए ही अभी हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक रेंज अगर हम देखें तो सेम ब्रांड के अंदर कैमल ने ही निकाले हैं ये पर्ल कलर्स। ये एक्रेलिक कलर्स हैं, पर्ल कलर्स। ये टचिंग के लिए, टचअप्स के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर हम पेंटिंग्स को हाईलाइट करना चाहते हैं हमारी पेंटिंग्स को, तो ये पर्ल कलर बहुत अच्छे रहते हैं। ये भी 20 rupees की ही बॉटल पड़ती है, और बस इसके अंदर फर्क क्या है, इसकी क्वांटिटी कम है, 10 ml है ये। इसके अलावा ये फेब्रिक्रिल के कलर रेंज है, ये काफ़ी पुराना है ये भी, और ये एक्रेलिक पेंट है, सेम रेंज में अवेलेबल है। 20 rupees की ही बॉटल पड़ती है, और क्वांटिटी वाइज भी ये सेम 15 ml ही रहता है। तो ये बेसिक रेंज है। अगर हम एक्रेलिक पेंटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमको इन कलर्स से शुरुआत करनी चाहिए। ये कलर्स बहुत ही सफिशिएंट रहते हैं, और इन बेसिक बिगनर्स के लिए कलर्स बहुत यूज़फुल हैं। तो इस तरह से हम जो हमको कलर की रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह से हम कलर बाय कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ब्रशेस के बारे में। यहाँ पर फ्लैट ब्रशेस दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। 90 rupees का सेट है ये, और 4 brushes फ्लैट ब्रशेस का सेट है। एक्रेलिक पेंटिंग में यूजुअली फ्लैट ब्रशेस थोड़ा ज़्यादा काम आते हैं, मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, बाकी सबका अलग प्रेफरेंस रहता है। इस तरह से ये 7 synthetic brushes का सेट है। अगर हम थोड़ा हायर रेंज के लिए जाना चाहते हैं तो ये 400 का सेट आता है, फेबल कैसल का ही है ये भी। ये दोनों ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं अगर हम एक्रेलिक पेंटिंग करना चाहते हैं तो। डिटेलिंग्स के लिए अगर हम ब्रश लेना चाहते हैं तो ये 7 brush का सेट है, 175 rupees का सेट है ये मार्केट में। और इस तरह से ये सफिशिएंट रहते हैं ब्रशेस अगर हम बेसिक बिगिनर हैं तो। मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरुआत में एक्रेलिक पेंटिंग्स के अंदर यही ब्रशेस और यही कलर्स सजेस्ट करती हूँ अगर वो बिल्कुल बिगिनर हैं तो।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम थोड़ा हाई रेंज के लिए जाना चाहते हैं बिगनर होने के बाद, जब हम थोड़ा सा सीख लिया हमने और अब तब थोड़ा हाई रेंज जाना चाहते हैं, तो ये कैमल का जो आर्टिस्ट कलर्स आते हैं ये भी बाय करे जा सकते हैं। देखिए अगर कंपेयर करें हम, दोनों रेंज एक ही है, कैमल ने निकाली है, ये बेसिक बिगनर्स की रेंज है और ये आर्टिस्ट कलर्स की, आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स हैं। फ़र्क क्या है, इसका लिक्विड थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़े पतले ज़्यादा हैं और इनका थिकनेस कम है, और थोड़ा सा पिगमेंट में भी देखिए फ़र्क है रेंज के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रेंज है। और ये वाली ट्यूब अगर हम बात करें तो ये ट्यूब आती है 120 ml की है और 210 rupees की ट्यूब है ये। इसका देखिए थिकनेस भी अच्छी है और इसका पिगमेंट भी बहुत हैवी है। अगर हम लेयर्स में काम करते हैं तो सिंगल लेयर इसके लिए इसकी लगाएंगे हम तो सफिशिएंट रहता है हमको, और उसकी हमको दो बार लेयर अप्लाई करनी पड़ जाती है क्योंकि वो पतला है। इस तरह से ट्यूब्स ले रखी हैं मैंने, जो मुझे रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से मैं ट्यूब बाय कर लेती हूँ। बड़ी ट्यूब तो आती है 210 rupees की है, जो टाइटेनियम वाइट की ट्यूब मैंने आप लोगों को दिखाई, लेकिन ये जो छोटी वाली ट्यूब्स हैं, ये छोटी वाली ट्यूब्स 90 rupees की ट्यूब आती है ये। तो अगर हमको जिन जिन कलर्स की हमको रिक्वायरमेंट रहती है, हम वो लूज़ कलर्स बाय कर सकते हैं। देखिए पूरा सेट लेने से कोई मतलब नहीं रहता है, तो जिन कलर्स की हमको रिक्वायरमेंट रहती है हम शुरुआत कर सकते हैं लूज़ कलर्स बाय करके। जैसे मैंने देखिए यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है जिन कलर्स की, मैंने वो कलर्स बाय करके रखे हुए हैं, और इसी तरह मैं और भी कलर्स आर्ट स्टोर से बाय कर लेती हूँ। मुझे लगता है ये सफिशिएंट मटेरियल है अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए 90 rupees की ट्यूब आती है ये, और इसमें काफ़ी हैवी पिगमेंट रहता है, थिकनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, तो वाइट कलर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने वाइट कलर बड़े मंगा के रखे हुए हैं, और वाइट कलर कंज्यूम भी मेरे पास ज़्यादा होता है, तो मैंने वाइट कलर की बड़ी ट्यूब्स मंगा के रखी हुई हैं। तो इस तरह से हम बड़ी ट्यूब मंगा के रख सकते हैं वाइट कलर की, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें हरदम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कलर्स बाय करने चाहिए। देखिए क्योंकि एक्रेलिक पेंट की बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसमें कभी भी केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ रहा है हमको कोई भी, तो ये सेफ़ हैं यूज़ करने के लिए। तो हम छोटी, अगर एज कम है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये पैलेट नाइफ़ है, अगर आप पैलेट नाइफ़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप बॉटल्स के लिए यूज़ मत करिएगा। क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उन वो थोड़े पतले हैं, तो पैलेट नाइफ़ बहुत अच्छा काम करेगा इसके अंदर, ट्यूब्स में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ट्यूब्स के अंदर थिकनेस है कलर्स की, तो पैलेट नाइफ़ थिकनेस के साथ बहुत अच्छा 3D लुक देता है। तो कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर, जो मैं आर्टिस्ट कलर्स यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स जो मैं बनाती हूँ सेल करने के पर्पज़ से। तो यहाँ मैं जो आर्टिस्ट कलर यूज़ करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी रेंज है और कॉस्ट वाइज भी ये काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन अगर हम हमारा मार्केट में सेल करते हैं, अगर हम हमारा पेंटिंग सेल कर रहे हैं मार्केट में या हम कुछ भी, तो ये कलर्स हमको प्रेफर करने चाहिए, हाई रेंज के कलर्स हैं ये। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कलेक्शन आप लोगों को अपने इन कलर्स का भी दिखा देती हूँ। यहाँ जो बड़ी ट्यूब मैंने दिखाई टाइटेनियम वाइट की, ये 1500 की ट्यूब आई थी, मैंने अमेज़ॉन से बाई करी थी, और वाइट यूजुअली मैं ज़्यादा लेती हूँ जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को। यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेरे को कलर्स की रहती है वो मैंने बाय कर रखी है। इसी तरह से मैंने ये 48 कलर्स का ट्यूब, ये भी मेरा लिक्विटिक्स बेसिक्स का ही है, एक्रेलिक कलर सेट है ये पूरा, 48 कलर्स का सेट लिया था। ये 48 कलर्स का सेट बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कलर रेंज इन्होंने कवर किया था, जो हमको कभी छोटी छोटी कभी रिक्वायरमेंट रहती है और हमारा हाथ हमारे को होल्ड करना पड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने ये बाय कर लिया था। देखिए ट्यूब का साइज़ काफ़ी छोटा है, कंपेयर करें अगर हम तो मेरे हाथ के बराबर ही आ रहा है। देखिए ये 48 कलर का सेट है और ये अमेज़ॉन से बाय किया था मैंने, अराउंड मुझे पड़ा था 5,500 के करीब पड़ा था ये सेट मुझे, और 22 ml है इसका जो ट्यूब का साइज़ है वो 22 ml है।
बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसके अंदर। इन कलर्स की खास बात ही ये है कि अगर हम प्रोफेशनल रेंज में जाना चाहते हैं तो हमको हरदम लिक्विटिक्स बेसिक्स आर्टिस्ट कलर्स हैं ये, एक्रेलिक कलर सेट हमको चॉइस करना चाहिए। देखिए कितने सारे कलर्स की रेंज है यहाँ पर, काफ़ी सारे कलर्स की रेंज है, बहुत ही एक्सेलेंट रेंज इन्होंने निकाली है कलर्स की। और मुझे लगता है कि मुझे ये कलर्स बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह से ये कलर्स रखना पसंद करती हूँ। देखिए ये वाला मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए आर्टिस्ट कलर्स में बना के रखा है, ये मैंने बेसिक कलर्स है देखिए। और ये वाला जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने बनाया है, ये जो मैंने आपको बॉटल्स में बेसिक रेंज दिखाई थी कलर्स की, मैंने इनसे बनाया है, तो आप खुद फील कर सकते हैं डिफरेंस दोनों का। जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाते जाते हैं हमारे कलर्स की, हमारे प्रोफेशनल लुक आता जाता है हमारे वर्क के अंदर। तो जब हम एक्सेलेंट हो जाते हैं हमारे वर्क में तभी हमको रेंज बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा रही हूँ एक कैनवस के ऊपर। देखिए ये मैंने थोड़ा फास्ट बना दिया है डेमो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया था। तो अगर आप सेम वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं लास्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी बॉक्स के अंदर एंड स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसी वीडियो का, ये जो ट्यूटोरियल वीडियो हो गया ये, तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्लो वर्जन में एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बनाया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड तैयार कर लिया, मैं बेसिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए अभी, जिससे आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। तो यहाँ मैंने एक और बैकग्राउंड तैयार करके रख रखा है, और यहाँ मैंने जो बेसिक कलर्स आपको बताए थे और बेसिक मैंने जो ब्रशेस आपको बताए थे उन्हीं से मैं आपको यहाँ पर डेमो करके दिखा रही हूँ। ये जो फ्लैट ब्रशेस की रेंज मैंने आपको बताई थी ये वही रेंज है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा कलर निकाल रही हूँ ब्लैक कलर, और बॉटल में से निकाला है मैंने आपके सामने। यहाँ मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है, मैं उस डिज़ाइन को पहले आउटलाइन लगा रही हूँ। अगर आप इसका स्लो वर्जन देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो शो होगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ मैं वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत फास्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने इसको फास्ट करके ऐड कर दिया है, जिससे आप लोग कंपैरिजन शो देख सके कि देख ये देखिए ये एक मीडियम बताया मैंने। अगर आप देख नहीं पाए हो तो वापस देख लीजिएगा रिवाइंड करके, ये मीडियम है। अगर हम पानी नहीं मिलाते हैं तो कई बार हम इन मीडियम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा स्लो ड्राई करता है। एक्रेलिक पेंट की खास बात क्या होती है, थोड़ा सा टफ भी होता है अगर हम बोलें लगाने में, लगाते लगाते वो ड्राई हो जाता है। तो अगर हम मीडियम यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा वो धीरे ड्राई होगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को फ्लावर का एक देखिए एक वीडियो बना के दिखाया, बेसिक कलर यूज़ करे हैं मैंने यहाँ पर, एकदम इकोनॉमिक रेंज। तो ऐसा नहीं है कि कम रेंज के कलर से हम कुछ अच्छा नहीं बना सकते, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आया है ये बन के। तो बेसिक कलर्स यूज़ करे हैं ट्यूब बॉटल वाले, देखिए मुझे लगता है ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यहाँ बैकग्राउंड तैयार हो गया है, वापस मेरा ड्राई हो गया है बैकग्राउंड। यहाँ मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ नॉर्मल पेंसिल से, और अब मैं इसके ऊपर आर्टिस्ट कलर्स यूज़ करती हूँ। देखिए दोनों कलर का आप डिफरेंस फील कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती हूँ कैमल के, जो मैंने ट्यूब की रेंज बताई थी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर ऑलिव ग्रीन कलर लिया है, ये यहाँ मैं ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके वीडियो को देख पाएंगे और मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी और वापस देखने आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप वापस देखने आए हैं मेरे चैनल पर वीडियोज़, आई एम ग्रेटफुल। इस तरह से मैंने ट्री बनाया है, और यहाँ देखिए मैं वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप स्लो प्रोसेस देखना चाहते हैं इसी वीडियो का तो एंड स्क्रीन पर इस वीडियो का भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी लिंक, आप उस पर क्लिक करके दोनों वीडियोस के एंड स्लो प्रोसेस विथ एक्सप्लेनेशन देख सकेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो हेल्पफुल रहा है बिगनर्स के लिए, ये वीडियो बनाया ही मैंने बिगनर्स के लिए है जो एक्रेलिक पेंट्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे एक्रेलिक पेंट्स खरीदें। तो ये एक बिगनर गाइड है कि आप लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो
कि आप किस तरह के एक्रेलिक पेंट्स बाज़ार से बाय करें और किस तरह से वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। चॉइस करिएगा समझदारी से और शुरुआत करिएगा हरदम छोटे लेवल से, जिससे आप छोटा थोड़ा बहुत मटेरियल भी इकट्ठा करके अपना वर्क कर सकें। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया, देखिए ये वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई है, ये बनाई है आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर, मतलब वो जो ट्यूब्स मैंने आपको दिखाई थी 90 रुपीज़ वाली, उनसे बनाई है मैंने। तो बहुत आप खुद फील कर सकते हैं डिफरेंस, थिकनेस का फ़र्क है देखिए, और 3D लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके अंदर। ये वाली ट्यूब्स मैंने यूज़ करी है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारी ट्यूब्स मैंने यहाँ यूज़ करी है। ठीक है, तो अब आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों का। ये देखिए, फील कर पा रहे हैं आप 3D फील, 3D लुक आया है इसके अंदर, थिकनेस बहुत अच्छी शो कर रहा है ये। और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट लुक आया है क्योंकि कलर्स ऑलरेडी काफ़ी पतले थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ध्यान रखिएगा अपना।